हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू यूट्यूब एनसीईआरटी। आई हूं कुमार सभी। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 6 के अभ्यास 3 के बारे में, जिसका नाम है संख्याओं के साथ खेलना। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 3.7 का प्रश्न नंबर 2। ठीक है बेटा, तो प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि तीन लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना शुरू करते हैं। मतलब एक स्थान से ही वो चलना शुरू करते हैं। आप देखो, उनके कदमों का माप क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर। इसका मतलब समझा रहा हूं। देखो, कुछ लोग लंबे लंबे पैर रखते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं, ठीक है। कुछ लोग छोटे छोटे पैर रखते हैं, तो अब उनके पैर के बीच की जो दूरी है, ठीक है, वो बताएगी। एक के 63 सेंटीमीटर है, एक के 70 सेंटीमीटर और एक 77 सेंटीमीटर। मतलब हर बार वो उतनी ही दूरी बीच में रखते हैं। अब बोला गया है कि आप ऐसी न्यूनतम, ठीक है, दूरी बताओ, ठीक है, जिसमें उस दूरी को ये पूरे पूरे कदमों में तय कर दे। मतलब अंतर इतना ही रहेगा, अंतर इतना ही रहेगा। ऐसा नहीं कोई उस पूरा पूरा चलने के बाद फिर उसको दूरी जो बीच में है गैप को कम करना पड़े, ठीक है। अब ऐसा करने के लिए ध्यान रखना, मैंने क्या बताया था पहले पिछले वाले प्रश्न में, कि जब अधिकतम पूछे तो आपको क्या निकालना है, लघुत्तम महत्तम समापवर्तक, और जब न्यूनतम पूछ रहा है तो निकालना है लघुत्तम समापवर्तक। क्या निकालना है? लघुत्तम समापवर्तक। तो क्या करेंगे, ठीक है, हम यहां लिखेंगे उत्तर में न्यूनतम दूरी निकालने के लिए ठीक है, हमें 63 70 का, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, निकालना होगा। ठीक है, हमें, ठीक है, निकालना होगा। आपको ये तो पता पड़ रहा है ना, आगे क्या लिखा है उसे छोड़ दो, ठीक है। दूरी तय करने के लिए हमें 63 70 और 77 का, ठीक है, लसावर निकालना होगा। आप वो कैसे निकालेंगे भाई? लसावर लघुत्तम समापवर्तक निकालना तो आता है, नहीं आता तो भी देख लो। हम क्या करेंगे, महत्तम समापवर्तक में तीनों का बचे गुणनखंड हमें अलग अलग निकालना होता है, फिर इसमें एक साथ निकालना होता है। अब देखो हम क्या करेंगे, 63 लिखेंगे, ठीक है, 70 लिखेंगे और 77 लिखेंगे। अब देखो, इनमें से कोई भी संख्या ऐसी है जो 2 से जा सकती है? हाँ है, 0 लिखा हुआ है ना, तो 2 से करेंगे। देखो 63 तो जाएगा नहीं, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। क्या ऐसे छोड़ देंगे? इसको छेड़ेंगे नहीं इसको। लेकिन 70 तो जा रहा है, इससे 35 थे, 2 3 6 और 2 5 10। उसके बाद 77 में जा रहा, तो 77 को भी ऐसे छोड़ देंगे। उसके बाद अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब ये किससे जाएगा? 3 से जाएगा। 3 से कैसे जाएगा भाई? 3 2 6 और 3 1 उसके बाद 35 जा रहा है, नहीं जा रहा, तो 35 को ऐसे छोड़ देंगे, 70 को भी ऐसे छोड़ देंगे। फिर 3 से जाएगा, 3 7 21, ठीक है, 35 नहीं जाएगा, और फिर अब देखो क्या करेंगे, अब ये जाएगा 7 से बेटा। अब 3 से जाएगा, 7 1 7, 7 5 35 और 7 1 7 7 1 7, ठीक है। अब देखो यहां पर आपको अगर चमक आ रही है तो मैं बता देता हूं, ये 7 लिखा है क्योंकि 21 7 से जाता है। फिर देखो, ठीक है, 35 नहीं जा रहा तो ऐसे के ऐसे लिख देंगे, फिर 77 भी ऐसे लिख देंगे, ठीक है। उससे अगले वाले में देखो 7 को करेंगे तो 7 1 7 11 भी है। देखो 7 1 7 7 5 35 और 7 1 7 7 1 7, ठीक है।
अगला देखो, अब किससे जाएगा, ये पांच से जाएगा, ठीक है। चलो यहां पहले पांच से कर लेते हैं, माफ करो, ठीक है, पांच से कर लेते हैं, ठीक है, पांच सत्ते 35 और ये पूरा आ गया। अब क्या करेंगे, सात से कर देंगे, सात एकम सात और सात एकम, अब फिर कर लेंगे 11 से। देखो एक तो पहले ही आ गया, इसका भी एक आ गया और 11 का 11, तो इससे गुणनखंड क्या हुए, भाज का गुणनखंड हुए जो लसा निकला वो कितना, लसा हो जाएगा इसका 2 × 3 × 3 × 5 × 7 × 11, ठीक है, इस तरीके से आएगा। आप करके देख लेना बेटा, ठीक है। अब देखो 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18, 18 × 5 = 90 और 11 × 77 को अगर हम 90 से गुना करेंगे क्या आएगा, देखो 0 × 0 आ गई, 9 × 7 = 63 का 3 हाथ लगे 6, ठीक है, और 9 × 7 = 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 6, 9, 3 ये गुणा करके कितना आएगा, 6, 9, 3, 0, ठीक है। अब देखो सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर ही, मतलब 6, 9, 3, 0 सेंटीमीटर वो दूरी कम से कम तय करेंगे जिसमें तीनों उस दूरी को बराबर बराबर ही, ये नहीं है कि उतने ही कदमों में वो पहुंच जाते हैं, नहीं, लेकिन उनके बीच की जो दूरी है वो अंतर नहीं होगी। ये वाला जो लड़का है वो सारे कदम 63 सेंटीमीटर वाले रखेगा, ये वाला लड़का सारे कदम 70 सेंटीमीटर वाले रखेगा और ये वाला लड़का सारे कदम 77 सेंटीमीटर वाले ही रखेगा, ठीक है, सारे कदम, तो वो और अपनी दूरी तय भी कर लेगा ये वाला, ठीक है। इसका मतलब है कि ये वाला 63 से भी भाग हो सकता है, 70 से भी भाग हो सकता है और 77 से भी भाग हो सकता है, ठीक है बेटा। तो यहीं पर प्रश्न नंबर 2 भी समाप्त होता है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है, और समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है बेटा, ख्याल रखो अपना।